भूखा माउस। एक चूहा बहुत सोच रहा था। इसके पास कई दिनों से खाना नहीं था और इसने खाना हासिल करने की सख्त कोशिश की। इसकी तमाम कोशिश रायगा गई। वो अपना खाना ढूंढने के लिए हर तरफ देखता था। जैसे जैसे दिन गुजर गए वो बहुत ज्यादा कमजोर होता गया। एक दिन चूहे को मकई से भरी टोकरी मिली। इसने टोकरी में एक छोटा सा सुराख भी देखा जो इसे अंदर ले जाने के लिए काफी था। अगर आप हमारे चैनल जस्ट लेसंस पर नए हैं को सब्सक्राइब कीजिए। वो आसानी से सुराख के अंदर चला गया। क्योंकि इसके पास कई दिनों से खाना नहीं था इसलिए इसने बहुत ज्यादा मकई खा ली बगैर एहसास किए। वो मुसलसल ज्यादा से ज्यादा मकई खाता रहा। ढेर सारी मकई खाने के बाद वो बहुत मोटा हो गया। मकई से मुतमईन होकर मोटे चूहे ने छोटे सुराख से टोकरी से बाहर आने की कोशिश की। बदकिस्मती से छोटा सुराख बड़े माउस को एडजस्ट नहीं कर सका। चूहा चीखने लगा, ऐ खुदा मुझे बाहर आने दो, मैं कैसे बाहर आऊं? एक चूहे ने टोकरी से चूहे की चीख की आवाज सुनकर इससे पूछा, क्या हुआ? चूहे ने कहानी सुनाई और इसका हल पूछा। चूहे ने कहा, अगर आप टोकरी से बाहर आना चाहते हैं तो कुछ न कुछ दिन इंतजार करें, जब तक आप पतले ना हो जाएं, आपकी तमाम चर्बी खत्म हो जाएगी। चूहा अब भूखा रहने लगा, लेकिन फंदे से बाहर आने के लिए बहुत सारी खुराक के साथ। अखलाकी सबक, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर आप रिसेंट आए हो तो लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया।